Hello everyone, I welcome you all on my channel where we learn English with easiest way. So if you are liking these kinds of videos, then don't forget to subscribe this channel so that you will get all the notifications of my future videos. So without further ado, let's get started. Let me give you the overview so that you can understand easily. Two men are talking with each other about a hospitalized woman. आज का वीडियो का पहला सेंटेंस है, आप पिछले कुछ दिनों से व्यस्त थे. टीना यहाँ अकेली थी. इसे इंग्लिश में कहेंगे, यू आर बिजी सिंस द पास्ट फ्यू डेज, टीना वॉज अलोन हियर. एज यू कैन सी गाइज, यहाँ हेल्पिंग वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें मैंने हाईलाइट किया है टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड बेटर. वर, एमेजर, वॉज, वेयर, तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड यू नो हेल्पिंग वर्ड्स, जो हमें बताते हैं सेंटेंस कौन से टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, whether it is in present tense or in past tense. वह उब गई होंगी, इसे इंग्लिश में कहेंगे she would have felt bored. She would have felt bored. Feel, felt, felt. यहाँ जो है verb का third form दिया गया है feel का, felt. चलिए बढ़ते हैं अगले sentence की ओर. Pink के कारण reaction हो सकता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे could be a reaction due to mood swing. मूड स्विंग यानी सडन बिहेवियरल चेंज. आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो हंसते हंसते रो पड़ते हैं, वो सडन बिहेवियरल चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मूड स्विंग. बेवजह सोचकर तनाव में ना जाओ, इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट गेट टेंस बाय थिंकिंग अननेसेसरीली. टेंस, टेंस यानी तनाव, और अननेसेसरीली, अननेसेसरीली बेवजह. चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर. सूरज, खराब मौसम के कारण सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है, इसे इंग्लिश में कहेंगे सूरज, ऑल द फ्लाइट्स हैव बीन कैंसल्ड ड्यू टू द बैड वेदर कंडीशन. द पर्सन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ही इज टॉकिंग टू समवन, जिसे बोल रहा है कि सभी फ्लाइट्स जो है वो कैंसल कर दी गई है. मुझे आपको कितनी बार फोन करना चाहिए, यह बहुत ज़्यादा हो रहा है. टीना, इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ मेनी टाइम्स शुड आई कॉल यू, दिस इज टू मच. टीना, ज्यादा होना, टू मच. अगर कोई बंदा आपको परेशान कर रहा है तो आप उसे जवाब में कहते हो दिस इज टू मच. हमेशा किताबों में व्यस्त रहते हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे यू आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड विद बुक्स. व्यस्त रहना यानी ऑक्यूपाइड, किसी चीज में व्यस्त हो जाना. मैंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने उसे आईसीयू में रखा है, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई स्पोक टू द ड्यूटी डॉक्टर, दे हैव पुट हर इन आईसीयू. जो है स्पीक का सेकंड फॉर्म लगाया गया है स्पोक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन. टेस्ट रिपोर्ट आए बिना वे ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे, इसे इंग्लिश में कहेंगे दे वोंट बी एबल टू टेल मच विदाउट गेटिंग द टेस्ट रिपोर्ट. जितना मैंने सोचा था टीना के आसपास की समस्याएं उससे कहीं अधिक जटिल थी, इसे इंग्लिश में कहेंगे द प्रॉब्लम्स अराउंड टीना आर सो मच मोर कॉम्प्लेक्स दैन आई थॉट, जैसा मैंने सोचा. कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यानी ऐसी बात या फिर ऐसी समस्या जिसे सुलझाने में नानी याद आ जाए. वैसे भी टीना को होश में आने में कुछ घंटे लगेंगे, इसे इंग्लिश में कहेंगे वैसे भी यानी एनी वे. इट विल टेक अ फ्यू आवर्स फॉर टीना टू रिगेन कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस यानी होश. आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा.